अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स क्या हैं? नॉर्मली जो हम डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं कि फलां बंदे का जी ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, इस तरह ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, या ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, वगैरह वगैरह। बेसिकली अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ब्लड ग्रुप्स ये एंटीजेंस हैं जो रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद होती हैं और उसकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमिन होता है। अगर किसी बंदे के रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर उसकी ब्लड सरफेस पे बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। इस तरह दोनों एंटीजन है तो ए बी होगा, कोई एंटीजन नहीं है तो ओ होगा। तो हम चल के इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है और हमारी बॉडी में और कितने हैं। ये तकरीबन हमारे रेड ब्लड सेल पे 300 से 400 एंटीजन मौजूद होती हैं, तो इतने ही टाइप के ब्लड ग्रुप मौजूद हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें एबीओ सिस्टम है और आरएच सिस्टम है। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजन ऑन द रेड सेल डिटरमिन्स द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो हमारे रेड सेल की सरफेस पे एंटीजन मौजूद होगी वो डिटरमिन करेगी कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, और ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, बाद में चेंज नहीं हो सकता। मोस्ट फ्रीक्वेंटली परफॉर्म टेस्ट इन द ब्लड बैंक। ये क्योंकि हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं तो ये ऐसा टेस्ट है जो ब्लड बैंक में और लैब में बहुत ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड द एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1900, मतलब 19 सेंचुरी में ये डिस्कवर हुआ था। डी एंटीजन आर एंटीजन वाज डिस्कवर्ड इन 1940। इट्स प्रेजेंस इंडिकेट्स पॉजिटिव नेचर ऑफ द एबीओ एंड वाइस वर्सा। अगर किसी बंदे के ब्लड आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन मौजूद है तो उसको हम कहेंगे ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मतलब ए भी मौजूद है, आर एच भी मौजूद है, तो ए पॉजिटिव। हम आगे चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द इंडिविजुअल्स। जो हमारे नेचुरली ये जो एंटीबॉडीज हैं हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होती, जिसको हम कहते हैं ना ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज। अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए हो तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। इस तरह अगर ब्लड ग्रुप बी हो तो एंटीबॉडीज ए पाई जाती हैं, तो ये बाद में बनती हैं। कैसे बनती हैं ये भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एबीओ सिस्टम, हमारा जो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ सिस्टम है। अगर हमारा ये जो रेड ब्लड सेल हैं इसके ऊपर ए एंटीजन हो तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर बी एंटीजन हो तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप होगा बी, और अगर दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और अगर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। इस बात को समझ गए? इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम ए बी ओ सिस्टम कहते हैं। अगर ए एंटीजन मौजूद है, ए ब्लड ग्रुप बी है, तो इस तरह सारा चलता रहेगा। इस तरह हमारे पास एक आर एच सिस्टम है। अगर आप देखें तो हमारे पास देखो आर बी सी के ऊपर मैंने और कोई चीज नहीं बनाई ये एंटीजन के अलावा। अगर ये एक एंटीजन होती है आर एच एंटीजन, अगर वो मौजूद हो, ये देख रहे हो आर एच एंटीजन मौजूद हो, तो उसकी वजह से वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है। मौजूद नहीं होगी तो नेगेटिव होगा। इसको जरा गौर से समझा, ये आर एच मौजूद है तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव, अगर ये नहीं है तो ये ए नेगेटिव होगा। इस तरह ये आर एच मौजूद है तो इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा, अगर ये नहीं है तो ये ए नेगेटिव, सॉरी बी नेगेटिव होगा। इस तरह ए बी वो दोनों एंटीजन मौजूद हो, आर एच भी मौजूद हो, तो हम इसको कहेंगे ए बी पॉजिटिव। इस तरह अगर नहीं है तो ए बी नेगेटिव। अगर आर बी सी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, ना ए बी है ना ओ, जो आर एच है वो होगा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अगर ए बी नहीं है और आर एच मौजूद है तो इसको हम कहेंगे ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक हो गया? अब इसके करस्पॉन्डिंग ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अब इम्यूनोलॉजिकली देखा जाए तो हमारी बॉडी में उस वक्त तक एंटीबॉडीज नहीं बन सकते जब तक कोई एंटीजन ना आए। तो अगर कोई हम ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी की बात करते हैं, हम कहते हैं जी ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे में बी एंटीबॉडी होगी, तो भाई बी एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी कहाँ से है? ये ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में रह रहे हैं उनकी एंटीजन जो है ना वो होती है बी एंटीजन की तरह। ठीक है, जो हमारा ब्लड ग्रुप का बी एंटीजन है, बैक्टीरिया के ऊपर एंटीजन मौजूद होते हैं बी एंटीजन। जब वो इंटेस्टाइन में आते हैं, पैदाइश के बाद रहना शुरू होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा बनता है, उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज बनते हैं तो प्लाज्मा में पुल अप हो जाती हैं, तो बी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो इसलिए ये बाहर से आते हैं, ये नेचुरल नहीं है। ठीक हो गया? इसी तरह जो बी ब्लड ग्रुप का बंदा है उसके अंदर ए एंटीबॉडीज होंगी, ए बी मेन एंटीबॉडीज। ए बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे में कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी,
जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदे में ए एंटीबॉडी भी मौजूद होगी और बी एंटीबॉडी भी मौजूद होगी। ये आपने इसको अच्छी तरह समझना है कि हम एक बंदा है ना, उसका अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी उसके अंदर बी होगी, क्योंकि सेम एंटीजन और एंटीबॉडी अगर मौजूद होंगे तो वो तो रिएक्शन कर जाएंगे और उसकी एग्लूटिनेशन हो जाएगी, आरबीसी फट जाएंगे। अगर इस तरह बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी, ए बी एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। इसको मैंने एक और तरीके से भी समझाया है कि एक वक्त में ए और बी होंगे, मतलब अगर ए एंटीजन है बी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीजन है ए एंटीबॉडी होगी, ए भी है पड़े ना इसमें तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, इसमें कोई नहीं है एंटीजन तो ए बी एंटीबॉडी होगी। तो याद रखें, एक वक्त में ए बी, अगर ए एंटीजन है बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन है ए एंटीबॉडी, ए बी एंटीजन है तो फिर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, अगर ए बी एंटीबॉडीज हैं तो कोई एंटीजन नहीं होगी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि और कौन से ब्लड ग्रुप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इस तरह नहीं है कि हमारे, क्योंकि उसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है ए बी ओ की। तो इसमें ये इसका नंबर है ISBT नंबर, सिस्टम का नेम है, सिंबल है, इसकी एपिटोप है और इसका क्रोमोसोम नंबर पे इसका वो बताया हुआ है कि ये इसकी जीन्स कहाँ पे मौजूद होती हैं। ए बी ओ तो सीधा सीधा है, ये कार्बोहाइड्रेट होती है, इसमें गलेक्टोज, गलेक्टोसामीन वगैरह, ए बी और एच एंटीजन होती हैं, और इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो नॉर्मली IgM बनती हैं। इस तरह MNS सिस्टम है, P ब्लड ग्रुप सिस्टम है, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो अभी मैंने आपको बताया, लुथरन है, केल है, लीवेस है। इस तरह मैं ये जो एपिटोप्स हैं और क्रोमोसोम आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये आपको नाम सिर्फ बता देता हूँ, डफी है, किड है, डाइगो है, वाइटी है, एक्स एक्स जी है, शियाना है, डॉमब्रोक है, कॉल्टन है, लैंडस्टीनर विनर है। तो ये मुख्तलिफ एंटीजेंस हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो डिटरमिन होता है। रोजर्स है, ठीक है, RH, HH या जिसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं, ये है, KX है, इसकी ग्लाइको प्रोटीन होती है, गैरबेच है, क्रोमर है, नॉब्स है, इंडियन है अलग, ओके है, रेफ है, JMH है, LI है, लाई ग्लोबोसाइड है, GIL है, RH एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये सारे, ये तकरीबन 30 ब्लड ग्रुप हैं, मतलब अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें ना तो ये सारे टेस्ट नहीं होते, कुछ हैं जो बहुत कम जगहों पे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ब्लड ग्रुप ए बी और ABO सिस्टम और RH को चेक किया जाता है, क्योंकि इनके अगेंस्ट जो है वो है कंपेटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, मतलब अगर कहीं पे भी ट्रांसफर रिएक्शंस का इशू आता है या कहीं पे जो हम क्रॉस मैच वगैरह करते हैं वो हम इन चीज़ों को आपस में मैच करते हैं कि ये इसके कंपेटिबल हैं या नहीं है, फिर भी क्योंकि रिएक्शन का चांस होता है वो इन एंटीजन की वजह से होगा। तो ये इसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में अहम चीज़ें, हमने इसमें इसकी जेनेटिक्स नहीं डिस्कस की कि ये बनते कैसे हैं, वो अलग बात है। तो अगर आपको इधर तक कोई बात नहीं समझ आती तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।